अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें। आप सभी का खैर मकदम है। नाजरीन, रमजान के माह मुबारक में जगह जगह चलते इफ्तार को देखकर सुकून भी मिलता है और खुशी भी। देश के अलग अलग हिस्सों में बनी मस्जिदें और दरगाहों पर जाकर हमने देखा और वे तस्वीरें आपके साथ भी हमने साझा की। लोग रोजा इफ्तार कराने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि रोजेदारों को इफ्तार कराने का सवाब भी उतना ही मिलता है जितना रोजेदार को रोजा रखने से मिलता है। जरा इन तस्वीरों पर भी गौर फरमाइए। दिल्ली के वीआईपी इलाके इंडिया गेट के नजदीक कस्तूरबा गांधी मार्ग पर गोल चक्कर में बनी ये मस्जिद यूं तो कई मायनों में खास है। देश के तमाम इमामों को तनख्वाह का फैसला भी यहीं से हुआ था। उन खास बातों पर भी कभी जिक्र करेंगे, लेकिन आज बात इफ्तार की है। हालांकि इफ्तार के मामले में भी यहां की तस्वीर जुदा है। रमजान के दिनों में यहां देश के तमाम बड़े बड़े रसूखदारों, राजदूतों, प्रशासनिक अफसरों और नेताओं के अलावा धर्म गुरुओं को आप इफ्तारी करते और नमाज अता करते देखेंगे। हम चाहते हैं कि ये आपस में सब प्यार से रहे, एक दूसरे के त्योहार को, एक दूसरे के यहाँ जो मनाने वाली खुशियाँ हैं उनको अपनी खुशियाँ माने और देश की उन्नति में, देश की तरक्की में, सब देश के अंदर अमन और भाईचारे को बढ़ाने में और अपने भारत देश की तरक्की में सब मिलकर के काम करें और समाज के अंदर सब मिलकर के एक ऐसा वातावरण बनाए कि किसी को कोई दूसरा अपने से अलग दिखे ही नहीं। जैसे पहले थे ऐसे हम आज भी हैं और ये जो राजनीतिक उठा पटक रोज आती है जाती हैं, हमें ये दिखाना चाहिए कि हमारे समाज में इनका कोई असर नहीं है। और दूसरा, जो जो चीज़ें हमारे देश की उन्नति में बाधक है उन चीज़ों को हमें अपने यहाँ से ख़त्म करना चाहिए और जो जो चीज़ें हमारे देश की उन्नति में साधक है, जिनसे हमारे देश की उन्नति होती है, उन सब चीज़ों को हमारे यहाँ अपनाना चाहिए। और इसलिए हमारे डॉक्टर साहब हैं तो वो कई बार हमारे पहले मिलते रहे और एक दिन गुरुकुल में चले गए तो इन्होंने कहा कि एक दिन हमारे यहाँ इफ्तार की पार्टी है, आप आइए और हम रोज़ा कैसे खोलते हैं और आप भी सम्मिलित करिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। तो मैं आज दिल्ली आया था और विशेष करके इसी कार्यक्रम के लिए आया था, तो मैं आया और यहाँ मुझे प्रसन्नता, सब लोग मिल करके प्यार से इन्होंने यहाँ अपना उपासना की, नमाज पढ़ी, रोज़ा का प्रसाद खाया और हमारा भी आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है। और सब हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सब अच्छे रहें, सब प्यार प्रेम से रहें और सब लोग इस देश की तरक्की में काम करें। देश की गंगा जमुनी तहजीब को मजबूती देती है मस्जिद इस्लाम के उसूलों पर भी आगे है, जिसकी बानगी आप न सिर्फ देखिए बल्कि सुन लीजिए। मैं हरिओम त्यागी हूँ, मैं अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ इमाम साहब की मस्जिद में। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग उस भाईचारे के साथ यहाँ रोज़ा इफ्तारी होती है। ये लुटियंस का इलाका है, वीआईपी इलाका है, यहाँ पे ऑटो ड्राइवर से लेके और सब वीआईपी लोग भी यहाँ तक आते हैं। सब लोग शाम को बड़े सद्भाव के साथ यहाँ पे इफ्तारी का आयोजन होता है और जिसमें गैर मुस्लिम भाइयों का बहुत सहयोग रहता है, तो सब लोग इसमें अपना सहयोग करते हैं, रोज़ा इफ्तारी करते हैं। तमाम संगठन, तमाम धर्मों के लोग यहाँ पे आते रहते हैं और इमाम साहब के यहाँ पे वर्षों से होता आ रहा है। बहुत अच्छा एक पैगाम है देश के लिए, भाईचारे के लिए, पीस के लिए, हारमोनी के लिए। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम सब जगह चलते रहें। अब देखिए, दिल्ली के लुटियंस इलाके में ये मस्जिद है इमाम साहब की और यहाँ पे कितने लोग आते हैं, कई सौ लोग शाम इफ्तारी पे यहाँ पे रहते हैं, मौजूद रहते हैं और रोज़ा इफ्तारी करते हैं। तो यही सब पैगाम है, सब ऐसे ही रहें, भाईचारा बना रहे, सब प्यार मोहब्बत से सब लोग करते हैं।
धन्यवाद। यही वजह है कि यहाँ इफ्तारी कराने वाले लोग महीने भर पहले ही अपनी दिन और तारीख मुकर्रर कर देते हैं। मिलिए इन जनाब से। ये जो मस्जिद है यहाँ पे सुल्बा गांधी मार्ग पे, इस पे जो है पूरे रमजान के महीने में इफ्तार की दावत होती है और सभी लोग यहाँ पे हर तबके के लोग आते हैं और उस रोजे में इफ्तार में शिरकत करते हैं। सभी गरीब अमीर सभी लोग आते हैं यहाँ पे, सभी धर्मों के लोग, कोई भी आ सकता है और कोई इफ्तार करके जा सकता है यहाँ पे। लेकिन मस्जिद के VIP इलाके में होने और बड़े बड़े रसूखदारों की यहाँ मौजूदगी से अगर आप यहाँ के VIP कल्चर होने का अंदाजा लगा रहे हैं तो जनाब आप गलत हैं। यहाँ आम जनता हो या किसी देश का राजदूत, सभी इबादत के लिए आते हैं। जी मैं ड्राइविंग करता हूँ, ऑटो चलाता हूँ। अच्छा जी, इफ्तार के लिए आते हैं, इफ्तारी करते हैं यहीं पे, डेली इफ्तारी यहीं पे करते हैं। मोहम्मद शकील यहाँ रोजाना अक्सर करके आते हैं इफ्तार के लिए और बड़ा अच्छा इंतजाम है। नाज़रीन, यहाँ की खासियत तो ये है कि इफ्तार कराने और करने वालों में न सिर्फ मुस्लिम बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी उसी शिद्दत के साथ शरीक होते हैं जितनी शिद्दत से इस्लाम को मानने वाले। हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नूरानी खबरें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।